नमस्कार मित्रों, अभी हम पहुंचे हैं अंबिकापुर और यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है और यहाँ पे एक पार्क है जो आप देखेंगे। इस रास्ते से हम चलेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पे माई अंबिकापुर लिखा हुआ यह बोर्ड है और इसके माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चले चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं इस पार्क को। गढ़वा झारखंड से 165 किलोमीटर की दूरी पर जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो बंगाली चौक से होते हुए यहाँ पे ये बगल में ही यह पार्क है जो हम इसका अवलोकन आज करा रहे हैं। बहुत ही अत्यंत सुंदर दृश्य, बहुत ही माना जाना पार्क जहाँ पे लोग काफ़ी शाम को यहाँ पे मनोरंजन करने लोग आते हैं। यहाँ के अंबिकापुर छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और यहाँ पे काफ़ी सैलानी घूमने आते हैं, शहर के वासी यहाँ घूमने आते हैं। ये पानी से भरा हुआ तालाब अभी कुछ पानी कम हो गया है, सूख गया है, गर्मी की मौसम है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं बोर्ड में माई अंबिकापुर लिखा हुआ है और बगल में कुछ मछुआरे मछली भी मार रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और यह शाम को 5 बजे इसका जो है गेट खुलता है। यहाँ से आप जाने का जो रास्ता है वो हम दिखाएंगे। इस तरह से जाली से घिरा हुआ यह स्थल और पास ही में यहाँ बरगद का एक पेड़ है जो मन को हरता है, मन को भाता है। अभी हम पहुँचे हैं यही अंबिकापुर तालाब के पास जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में। पार्क बहुत ही मनोहर दृश्य है यहाँ का। कुछ मछुआरे इसमें मछली भी मार रहे हैं। यहाँ से जब आप कुछ ही दूरी पे जाएंगे, यहाँ पे एक गेट बना हुआ है जो टर्निंग पॉइंट है तालाब के बीच में, वहाँ पे जाने के लिए ये गेट है और यह गेट अभी बंद है क्योंकि 12:00 के बीच का समय है। वास्तविक में प्रकृति की देन और ये जहाँ जल है वहाँ जीवन है। और नीचे आप देख रहे हैं कि इस तालाब में नीचे पानी भरा हुआ है और उसका दृश्य प्रदर्शित हो रहा है। बहुत ही सुंदर और मनोहर, मन को हरने वाला यह दृश्य। यहाँ पे आप शाम को आएँ और यहाँ का अवलोकन करें, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का यह तालाब का पार्क है। किसी रास्ते से यहाँ आना होता है, यहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है। और अभी हम इसी पार्क में घूम रहे हैं। बहुत ही रमणीय और मनोहर स्थल।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बेल भी दबा दें और नोटिफिकेशन के लिए। और मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, जोहार।